सोलर पैनल मजीद सस्ते हो गए। सिंगल ग्लास और डबल ग्लास सोलर पैनल में क्या बुनियादी फर्क होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में सोलर पैनल की ताज़ा तरीन कीमतें क्या रही हैं। लॉन्जी जिंको कैनेडियन सोलर पैनल तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं कि कौन सा सोलर पैनल ज़्यादा बेहतर होता है, सिंगल ग्लास या डबल ग्लास या जिसको बाईफेशियल भी कहा जाता है, और दोनों की कारकर्दगी में क्या बुनियादी फ़र्क होता है, और इनकी प्राइस या कीमत में भी कितना फ़र्क होता है, तो मोहतरम सामीन तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगे। तो इसलिए मोहतरम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सोलर एनर्जी सोलर पैनल की ताज़ा तरीन कीमतों के हवाले से इसी चैनल आल न्यूज़ पर बर वक्त न्यूज़ मुहैया की जा सके। मोहतरम सामीन, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये आपकी हमारे लिए बड़ी मोहब्बत होती है, मेहरबानी होगी। आज देखें पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सोलर पैनल की कंपनियां हैं इनकी रेट क्या रहे हैं। एक और बात की भी वजाहत कर दूं, अक्सर मोहतरम सामीन गुजारिश करते हैं कमेंट्स के अंदर कि ये जो आप सोलर पैनल के रेट बता रहे हैं ये किस शहर के हैं, तो ये तमाम पाकिस्तान के लिहाज से होते हैं। देखें जब भी सोलर पैनल आते हैं तो वो कराची पोर्ट पर उतरते हैं, उसके बाद ये मुख्तलिफ शहरों में तकसीम किए जा सकते हैं। तो लिहाजा देखें जब ये शहरों में जाते हैं तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन का मुख्तलिफ खर्चा होता है, लेकिन जब आप कराची के अंदर सोलर पैनल खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको रेट कम मिलेगा, लेकिन जब आप इस्लामाबाद में जाकर सोलर पैनल खरीदते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसमें शामिल हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिहाज से भी सोलर पैनल की ताज़ा तरीन कीमतें आज क्या रही हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। इससे पहले हम देखते हैं जो लॉन्जी सिंगल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज 31 पे पर वाट रही, लॉन्जी बाईफेशियल डबल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज 32 पे पर वाट रही, लॉन्जी बाईफेशियल डबल ग्लास हाइमो 7 सोलर पैनल की प्राइस आज 33 पे पर वाट रही, जे सिंगल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज 31 पे पर वाट रही, जे बाईफेशियल डबल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज 32 पे पर वाट रही, जे एन टाइप सोलर पैनल की प्राइस 32 पे पर वाट रही, जिनको सिंगल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज 31 पे पर वाट रही, जिनको बाईफेशियल या डबल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस 32 पे पर वाट, जिनको एन टाइप सोलर पैनल की प्राइस आज रही 33 पे पर वाट, ट्रीना सिंगल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज 31 पे पर वाट रही, ट्रीना एन टाइप सोलर पैनल की प्राइस आज 32 पे पर वाट रही, कैनेडियन टॉपकॉन सोलर पैनल की प्राइस आज 33 पे पर वाट रही, जेएम सोलर पैनल डॉक्यूमेंटेड में मिलेगा आपको 28 पे पर वाट के हिसाब से, एसो एनर्जी सोलर पैनल की प्राइस आज रही 29 पे पर वाट, रीना सोलर पैनल डॉक्यूमेंटेड में मिलेगा आपको 28 पे पर वाट, फोनो सोलर पैनल डॉक्यूमेंटेड में मिलेगा 29 पे पर वाट, लॉन्जी हाइमो 6 बाईफेशियल में मिलेगा आपको 31 पे पर वाट के हिसाब से। तो मोहतरम सामीन, जो आप सोलर पैनल खरीदते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि ये सिंगल ग्लास सोलर पैनल है, ये डबल ग्लास सोलर पैनल है। इन दोनों में बुनियादी फर्क ये होता है कि जो सिंगल ग्लास सोलर पैनल होते हैं उसके एक तरफ शीशे लगे होते हैं, एक तरफ शीट होती है। जब भी देखें आप इसको अपने घर की छत पर इंस्टॉल करते हैं तो सूरज की रोशनी बराह रास्त इनके ऊपर पड़ रही होती है, और बराह रास्त सूरज की रोशनी पड़ने से उसमें आपको बिजली की पैदावार सलाहियत हासिल हो सकती है। लेकिन जो डबल ग्लास सोलर पैनल होते हैं उसके दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको दोनों तरफ से ये बिजली पैदा करने की सलाहियत पैदा हो सकती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि घर में बिजली की पैदावार को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो डबल ग्लास सोलर पैनल लगवाकर इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जो सिंगल ग्लास सोलर पैनल होते हैं बनिस्बत जो डबल ग्लास सोलर पैनल है वो 25 से 30% ज़्यादा आपको बिजली के यूनिट पैदा करके दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक अहम शर्त ये भी होता है कि जब भी आप डबल ग्लास सोलर पैनल अपने घर की छत पर या कहीं भी लगवाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हमेशा जो है उसके इंस्टॉलेशन के वक्त हमेशा एक तो बड़े बड़े स्टैंड आपको लगवाना पड़ेंगे, यानी खुद आपको बनवाना पड़ेंगे, और उसके अलावा देखें आपने जिस छत पर लगाएंगे तो वहां पर आपने सफ़ेद रंग का पेंट भी लाजमी कर देना है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो पायदार भी होता है, क्योंकि जो सफ़ेद कलर होता है या रंग होता है वो सूरज की रोशनी को जज्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी दोबारा उसकी रोशनी जब आपके जो डबल ग्लास सोलर पैनल के बैक साइड वाली पर ये रोशनी पड़ती है तो उससे भी बिजली की पैदावार में इजाफा होता है, यानी दोनों तरफ से ये बिजली पैदा कर सकते हैं। जबकि सिंगल ग्लास सोलर पैनल आप देखें आम स्टैंड के जरिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके एक तरफ से सोलर पैनल से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि आपकी देखें
जो सिंगल ग्लास सोलर पैनल होते हैं, अगर आप फर्ज करें 6 सोलर पैनल अपने घर में लगवाए हुए हैं तो वो आपको बिजली की पैदावार 200 यूनिट पर डे के हिसाब से या महीना के हिसाब से आपको देते हैं। लेकिन देखें, जो डबल ग्लास सोलर पैनल होंगे वो आपको 300 यूनिट पर मंथ के लिहाज से, यानी हर महीने आपको पैदावार करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो सोलर पैनल जो डबल ग्लास होते हैं इनकी कीमतों में भी फर्क होता है। जो डबल ग्लास सोलर पैनल होंगे वो आपको 1 रुपया या 2 रुपया महंगे मिलेंगे, जबकि सिंगल ग्लास सोलर पैनल आपको सस्ते मिलेंगे। तो ये इनके अंदर बुनियादी फर्क होता है कीमतों के लिहाज से। लेकिन अगर देखा जाए तो सोलर पैनल, डबल ग्लास सोलर पैनल भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, पायदार भी होते हैं, जबकि सिंगल ग्लास सोलर पैनल भी उसी तरह पायदार होते हैं। लेकिन फिर इसके अंदर एन टाइप और पी टाइप सोलर पैनल, अगर आप सिंगल ग्लास सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो एन टाइप सोलर पैनल हैं वो भी पायदार होते हैं, उनकी बिजली की सलाहियत पैदा करने की भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान के अंदर देखें जो ए ग्रेड सोलर पैनल प्राइस आज पाकिस्तान में फी प्लेट के लिहाज से देखते हैं, J540 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड आपको डॉक्यूमेंटेड में मिलेगा आपको 31 रुपये पर वाट के हिसाब से 16,740 में। J540 वाट डबल ग्लास और बाईफिशियल ए ग्रेड मिलेगा आपको 32 रुपये पर वाट के हिसाब से 17,280 में। Z-Shine 545 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड आपको मिलेगा 30 रुपये पर वाट के हिसाब से 16,350 में। मैसन 540 वाट ए ग्रेड सोलर पैनल की प्राइस आज 29 रुपये पर वाट रही 15,660 में एक प्लेट मिलेगी। लॉन्जी 555 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड में आपको मिलेगा 31 रुपये पर वाट के हिसाब से 17,205 में। जिंको 555 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड के अंदर आपको फी प्लेट मिलेगी 17,205 में। लॉन्जी हाइमो 6570 वाट सिंगल ग्लास आपको मिलेगी 32 रुपये पर वाट के हिसाब से 18,240 में। जिंको एन टाइप 575 वाट ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड में आपको मिलेगी 33 रुपये पर वाट के हिसाब से 18,975 में। लॉन्जी हाइमो 7 580 वाट डबल ग्लास एन टाइप आपको मिलेगी 33 रुपये पर वाट के हिसाब से 19,140 के अंदर। बी ग्रेड सोलर पैनल की कीमतें वैसी ही रही हैं, 28 रुपये पर वाट के हिसाब से आप लॉन्जी मिलें या जिंको मिलें या J550 वाट वाली प्लेट 15,400 रुपये मिलेगी। कैनेडियन सोलर पैनल की प्राइस में देखें उसी तरह 33 रुपये पर वाट के हिसाब से कैनेडियन 575 वाट आपको टॉप कॉन में मिलेगा 18,975 में एक पैनल। कैनेडियन 555 वाट टेयर वन में सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड 31 रुपये पर वाट के हिसाब से 17,205 के अंदर मिलेगा। तो मोहतरम साहिबीन, इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कराची के अंदर आज 28 से 35 रुपये पर वाट रही। कराची के बाद लाहौर के अंदर सोलर पैनल की प्राइस आज 29 से 36 रुपये पर वाट रही। पिशावर के अंदर 30 रुपये से 36 रुपये पर वाट तक रही। और इसके अलावा देखें कोयटा के अंदर आज 31 से 37 रुपये पर वाट रही। और इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर आज भी 31 से 37 रुपये पर वाट सोलर पैनल के रेट मुख्तलिफ कंपनी जिनमें लॉन्जी है, जिनको है, कैनेडियन है, जे ट्रीना, सब सोलर पैनल की कीमतें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी सोलर पैनल की कीमतों में 50 पैसे या 1 रुपए के फर्क के लिहाज से आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार लाजमी करना है। अगर आप घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपके महाना बिजली का बिल कितना आता है, उसके हिसाब से आप कितने किलोवाट सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट या 10 किलोवाट सोलर पैनल, तो अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।